भिवंडी महानगर पालिका के माजी महापौर सम्मान्य श्री विलासजी पाटिल ने अपने सहयोगियों के साथ भिवंडी स्थित शिवाजी चौक महाराष्ट्र के आराध्य दैवत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा पर फूल माला अर्पण की और गोकुल नगर स्थित हाफिजी बाबा मजार पर माथा टेक कर भिवंडी स्थित कामत घर वाड़ाला तलाव मंगल भवन कार्यालय में अपना उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया। इस अवसर पर भारी संख्या में भिवंडी पश्चिम विधानसभा के सहयोगी कार्यकर्ता व पदाधिकारी महिला व पुरुष उपस्थित थे। तो वही आगे हम आपको बता दें कि भिवंडी पश्चिम के लोकप्रिय उम्मीदवार व माजी महापौर सम्मान्य श्री विलासजी पाटिल को आरपीआई सेकुलर के महाराष्ट्र राज्य सरचिटनीस व माजी सरपंच शेलार ग्राम पंचायत के सम्मान्य श्री एडवोकेट किरण जी चन्ने ने अपना पाटिंबा दिया और वो भी इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित थे। यहाँ पर किसको घोषित किया नहीं किया उसके ऊपर ये नहीं है, और जो पब्लिक किया आवाम जो साथ में आई है फॉर्म भरने के लिए, तो हम उसका शुक्र सबका आभारी है। ये जो हम लोग चार महीने से जो मेहनत कर रहे हैं, हर शहर के अंदर जितने भी एरियाज हैं, जो पश्चिम विभाग के जितने भी लोग हैं उनसे संपर्क करने के बाद, ये लोग सब इकट्ठा होने के बाद जो हमने जनमत जमाया है वो प्यार मोहब्बत में जमाया है, और फिर जाके आज ये फॉर्म भरे हैं। अब फॉर्म भरने की आज यही वजह है कि हम कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भरने आए हैं, क्योंकि ए बी फॉर्म जब तक आता नहीं है वो किसी का लायबिलिटी नहीं होता है जब तक, क्योंकि हम तो कांग्रेस के अभी लॉयलिस्ट है, तो हमें पूरा अधिकार है कि हम कांग्रेस का तरफ से फॉर्म भरें। जिस दिन ए बी फॉर्म किसी को मिल जाता है तो उस दिन वो घोषित हो जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी का फॉर्म है। मैं हमारे पिताजी का सपना भिवंडी शहर के बारे में कि हमारे जो बहु बेटियां यहाँ पे जो पढ़ती है, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ती है,
तो उनकी एक ख्वाब जिंदगी भर रहा है कि एक भिवंडी शहर में एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज बने, और उन्होंने एक बहुत पहले ही उन्होंने 3-4 एकड़ शहर के विकास के लिए उन्होंने हमेशा एक रखी है उन्होंने। तो उसके अंदर कोई भी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी आता है उसको हमें फ्री में जगह मिल जाएगा उनको। तो ये भिवंडी शहर के बच्चों के हित के लिए है, तो बच्चे के भविष्य के लिए है, क्योंकि आमदार के अंदर जो गट्स होना चाहिए यही काम के लिए, गटर पाते रोड बनाने के लिए नहीं है। ये भिवंडी शहर के जो आवाम है उनकी जो सुख सुविधा है उनको करना है। मेट्रो ट्रेन चालू होना चाहिए, बाद में जो रेलवे स्टेशन जो अपूरे बन पड़े हैं उसको किस तरह से फुल फ्लश में चालू किया जाए, ये सब सारा काम है आवाम का काम होना, ये आमदार का काम रहता है। ताकि पीपल, जैसे आज आपके पास मोबाइल है तो इजीली मोबाइलाइज होते हो, तो लेकिन ट्रांसपोर्टेशन और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर छोटे बच्चे जैसे कॉलेज और मेडिकल कॉलेज अगर नज़दीक आ जाए तो मोबिलाइजेशन होना चाहिए। हमारे जो बच्चे आज भिवंडी शहर के बाहर जाते हैं 50-50 किलोमीटर, सुबह 6 बजे निकलते हैं, रात को 8 बजे आते, तो ये सुविधा नहीं हुई, असुविधा हुई। तो ये सुविधा निर्माण करने के लिए ये इसके अंदर एक बड़ा प्रोविजन हम लोग करने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ना, इसमें आज खड़े हैं हम लोग, ये सांस्कृतिक भवन है, मंगल कार्यालय है, कम्युनिटी सेंटर है। ये भिवंडी के अंदर 12 सेंटर बने हैं। किसके बने हैं? भिवंडी महानगर पालिका के टैक्स पे बने हैं। बम्बई में जाओ आज के तारीख में है ऐसे महानगर पालिका का? नहीं है। अगर होगा तो उसका 3 लाख भाड़ा है। 15,000 भाड़ा में हम लोगों को सुविधा करके दी है। माननीय विलासराव देशमुख आए थे, विलासराव देशमुख साहब आए थे, और ऐसे 12 सेंटर हमने शहर के हर कोने में बनाए हैं। तो ये काई के लिए? आवाम के लिए। तो ये क्यों? आवाम जब रस्ते पे शादी ब्याह और अपना प्रोग्राम रस्ते पे मंडप लगा के करती थी तो गंदगी निर्माण करती थी, धूप निर्माण होता था, वो सारे जो कुछ प्रोग्राम उनको एग्जीक्यूट करना तो कर नहीं पाते थे। ये क्या है? स्कूल सारे बने हैं, 72 स्कूल ऐसे ही खड़े हुए हैं। 72 स्कूल बनने के लिए 20 साल गए ना, बाद में कम्युनिटी सेंटर बने हैं, वो बने हैं, ये फ्लाईओवर बने हैं, ये 1996 का पहला फ्लाईओवर भिवंडी महानगर नगर पालिका ने बनाया। ये क्यों बनाया? किसने बनाया? ऐसे हवे में बने हैं, ये विकास है। उसके बाद जो फ्लाईओवर बना राजीव गांधी उड़ान पुल, अभी भी देखो विलास पाटिल उधर नाम लिखा है, क्या ऐसे हवे में बनाए हो? तो ये विलास पाटिल ने किया है। ये सीसी कॉन्क्रीट जो रस्ते लाए है 2007 से जो बने हैं, खाड़ीपार से लेके चाविंद्रा तक, चाविंद्रा से लेके पूरा वंजारपाटी तक, ये कौन बने हैं? ऐसे बने। लेकिन हम शो शाइनिंग करने वाले लोग नहीं हैं। हम किसी, अगर हमको नगर सेवक बन के अगर किसी ने चुन के दिया है तो हमारा वो कर्तव्य है। हम कोई उपकार नहीं करते कि रोज जाके नारियल फोड़ू, मैंने ये किया। अरे नहीं, तू मोहताज है पब्लिक का, पब्लिक ने तुझे चुन के दिया है, तेरा काम है, तेरा फर्ज है कि दिन रात उनकी सेवा कर और ये काम करके दे। उसमें बड़प्पन दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो, विलास पाटिल जी साहब बहुत सालों से महापौर भी रहे हैं, उनकी पत्नी भी महापौर रही है, और उन्होंने जो विकास काम किए हैं वो आपके नज़र के सामने है। जिस हॉल में अभी पर्चा भरने गए थे वो हॉल भी उनके ही कारकिर्दगी में बना है। लेकिन जो विकास का दावा कर रहे हैं उनके रास्ते की हालत मैंने अभी देखी, मैं पैदल आया। तो उम्मीदवार को खुद की कुछ सोच होनी चाहिए और विजन होना चाहिए। अभी के आमदार आप देखोगे तो खाली गुंडागर्दी, असभ्य भाषा का, किसी के प्लॉट पे जाके प्लॉट कब्जा करना, ये लोक प्रतिनिधि का काम नहीं है। अच्छी विजन होनी चाहिए और मुझे लगता है कि वो सोच विलासराव पाटिल रखते हैं। उनके फैमिली ने, उनके पिताजी ने बहुत अच्छे काम भिवंडी के लिए किए हैं। अभी कांग्रेस का जो उम्मीदवार घोषित हुआ है या आपके मीडिया में चर्चा शुरू है, उनका इस मतदार संघ से कोई संबंध नहीं है। वो 15 किलोमीटर दूर रहते हैं। मुझे लगता है कि भिवंडी पश्चिम में यहाँ का ही उम्मीदवार होना चाहिए और जिसका अच्छा विजन हो। हमारे यहाँ आप देखते हैं कि दो बार आमदार रहे, ना तो अच्छा स्कूल बना पाए, ना मेडिकल कॉलेज है। हमारे स्टूडेंट यहाँ से जाते, रास्ते की हालत क्या है, गटरों की हालत क्या है, कोई भी किसी की तरह कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि भिवंडी की जनता की जरूरत है कि ऐसे आमदार को हटाए और एक अच्छा सोच रखने वाला पढ़ा लिखा और जिनको काम का अनुभव है, तो ऐसे व्यक्ति को संधि देनी चाहिए। तो मुझे ख्याल से आज की तारीख में सबसे अच्छा कैंडिडेट पढ़ा लिखा काम करने वाला कोई है तो विलासराव पाटिल है। इसके लिए हम उनके साथ हैं। मैं भिवंडी की सभी जनता से, चाहे मुस्लिम हो,
दलित हो, जैन हो, क्रिश्चन हो, सिख हो, सबसे मैं आह्वान करना चाहूंगा कि हम लोगों को ये मसलों को लेकर लड़ते आए हैं, हमने हमेशा भिवंडी के हित का विचार किया है। इस बार बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग स्कूल के बाजू में मटके चला रहे हैं, जो रस्ते पे और बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, दारू की नशे की लत लगाए बैठे हैं, ऐसे लोक प्रतिनिधि को चुन के देना मतलब भिवंडी को बर्बाद करना है। तो ये सोच आप रखो और सब लोगों में मुझे लगता है कि मीडिया बहुत बड़ी जिम्मेदारी करते हैं, सोच रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं समाज के बारे में, भिवंडी के विकास के बारे में। वो सब लोग किसी भी जाति धर्म से हो, विलास पाटिल आर के साथ रहेंगे और इस बार विलास आर पाटिल ही जीतेंगे, इसके लिए सब लोग हम मेहनत करेंगे।